कि इनको लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें, हम तो एक मकसद से है ना यहाँ, हमारा मकसद ये है कि हम इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है, इतनी महंगाई है। चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं, और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं, उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उनपे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। दो चार लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता वो तरस रही है, तड़प रही है, ये ठीक है क्या? उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं, उनके पास पैसा ही पैसा है, जो चाहे जब खरीद सब्जी खरीद सकते हैं, दाल आटा चावल सरसों का तेल सब कुछ महंगा हो गया, गैस सिलेंडर किस लिए उठा के ले जा रहे हैं हम? क्योंकि नहीं दिख रही है ना महंगाई, देखिए ये सिलेंडर कितना महंगा हो गया, तो हो गया कि कोई खरीद ही नहीं सकता। माझी सर्जरी झाली, मी तुम्हाला पहिले सांगतो, दरवाजा उघडून होतो ना, अरे बात तुम्ही सर बोलू पण दिला जाऊन दिला जात नाही, ही बोलत ही कोणती कोणती बदमाशी आहे? बात बात भी नाही कर, मीडियाशी बोलणं पण होऊ देत नाही, बोलू पण शकत नाही, यांच्या बापाचा मीडियाला बापाचा राजा सुरेश भाई, लोकशाही संपवली आहे, मीडिया अशी बोलले रे, मीडिया अशी बोललो, अरे मोदी टैक्स वापस लो, अरे गुंडा गर्दी मत करो, सारा शाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मोदी शाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सारा शाही नहीं चलेगा, मोदी शाही नहीं चलेगा, शाही नहीं चलेगा, मोदी शाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मोदी शाही नहीं चलेगा, हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।